मैनुअल अपने फॉर्म और फॉर्मेट में आरबीआई के नियम को फॉलो करने के लिए और सिस्टम को इनकॉर्पोरेट किया है। सेम अब हम लोगों का एप्लीकेशन भी उसी तरीके से बन गया है। उस एप्लीकेशन में सर का पूरा इन्वॉल्वमेंट था और पूरा इस तरीके से अभी जब आपके सामने प्रेजेंट होगा तो आपको यह रियलाइज होगा या महसूस होगा कि शायद अभी तक हम लोग ऐसा एप्लीकेशन नहीं यूज करते थे। जब आप फार्म को जब आप डेमो देखेंगे तो आपको यह रियलाइज होगा किसी तरीके से हम लोगों के फार्म की डिजाइनिंग हुई है। तो अब हम लोगों के लिए आगे फाइनल, क्योंकि जैसा आप लोगों को पता है कल से हम लोगों के ऑपरेशन में लोन प्रपोजल होना शुरू हो जाएगा और साथ में सेम हम लोगों के एप्लीकेशन में एंट्री हो जाएगा, होना शुरू हो जाएगा और इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों के ऑपरेशन कल से पूरे नॉर्मलाइज हो जाएंगे। तो आगे ये डेमो आईसीटी डिपार्टमेंट शुरू करने के पहले मैं सर से आग्रह करता हूं कि सर अपने ओपनिंग रिमार्क दें और उसके बाद जो है फर्दर जो हम लोगों के एजेंडा में है उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर थैंक यू अजय। मैं आप लोगों से सिर्फ शॉर्ट में ये कहना चाहूंगा कि जैसा अजय ने बताया कि आरबीआई के जो नए नियम सबको पता है जो लागू हुए हैं 1 अप्रैल से, तब से हमारे यहाँ सब्सटेंशियली कोई डिसबर्समेंट नहीं हो रहा है और पोर्टफोलियो बहुत डाउन हो गया है। सारी कोशिशों के बाद भी फॉर्म को फाइनल करने में काफी समय लगा और उस फॉर्म को साथ साथ बाकी डॉक्यूमेंट भी हम लोगों को फाइनल करने पड़े और हम लोगों की जो स्थिति थी बाकी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के अपोजिट या विजवी थोड़ी डिफरेंट थी, क्योंकि बहुत से ऐसे फॉर्म फॉर्मेट थे जो हम पहले इस्तेमाल नहीं करते थे और जो कि रेगुलेटेड एनबीएफसी एमएफआई या दूसरे लोग इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा ढेर सारे चेंजेस जो कैस्पर माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में अपना पोजीशन और रेपुटेशन कमांड करता है, उस रेपुटेशन पे के अनुसार और उसी की अपेक्षाओं के अनुरूप हमारा सारे जो रीडिजाइनिंग है हमारे फॉर्मों की होनी थी, इंक्लूडिंग लोन प्रपोजल फॉर्म, ये पूरा कोशिश किया गया कि वो हम बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल वे में कर सके और इस तरह कर सके कि हमारे लोन ऑफिसर और ब्रांच मैनेजर को, जिसमें से मुझे लगता है कोई यहां प्रेजेंट नहीं है, जिनको इस्तेमाल करना है, उन लोन डॉक्यूमेंट और लोन प्रपोजल फॉर्म को भरने की जिम्मेदारी, उसको रिव्यू करके लोन सैंक्शन करने की जिम्मेदारी सीएम और जो बीएम की है, वो इस नए चेंज से पूरी तरह से अवगत हो जाए, इसके लिए पिछले 1 महीने से एक्सरसाइज किया गया, मुझे बताया गया है। डीएमडी ऑपरेशंस और हेड ट्रेनिंग ने भी मुझे इन्फॉर्म किया है, इंक्लूडिंग जीएम ट्रेनिंग दिनेश पांडे ने भी बताया कि ये सारी ट्रेनिंग्स चल रही हैं। तो जो मुझे इनपुट मिला है कि ब्रांच मैनेजर सेंटर मैनेजर सबको ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली गई है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रेनिंग अच्छे से संपन्न की गई होगी और अधिकांश लोगों को ये इसमें से संबंधित जितने इम्पॉर्टेंट इश्यूज है वो समझ में आ गया होगा। मगर जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं भी ये समझता हूं कि हमारे सेंटर मैनेजर और ब्रांच मैनेजर्स का के अनुभव का एक बड़ा रेंज होता है, कोई 5 साल से काम कर रहा है और कोई 5 महीने या 5 दिन हुए हैं कंपनी को ज्वाइन किए, तो वो अंतर बना रहेगा। मगर मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगा कि जो पुराना डेटा एंट्री और फॉर्म के फिलिंग होने के बाद जो डेटा का एनालिसिस है वो ये कहता है कि कैस्पर की एवरेज हर क्लाइंट की ओन्ड की एवरेज एनुअल हाउसहोल्ड इनकम 10,000 से भी कम थी और इस तरह से उनको 5,000 से ज्यादा लोन नहीं दिया जाना चाहिए था। तो हम जिस मोड़ पे इस समय खड़े हैं, ठीक है,
वो ऐसा मोड है कि अगर हम अपने आप के अंदर और जो लोग यहाँ बैठे हैं उन सभी की जिम्मेदारी है इस परिवर्तन को लाने की, बेसिकली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क ही यही है कि इसको एंश्योर करें कि हमारे सीएम बीएम पूरी तरह से ट्रेंड हो, और ट्रेंड होने के साथ साथ जितनी डेटा कैप्चर किए जा रहे हैं फार्म में वो प्रॉपरली कैप्चर किए जाए, और जो उसकी नेक्स्ट स्टेप में डेटा एंट्री होती है मोबाइल फोन में वो भी प्रॉपरली हो, भी एक्यूरेटली हो, कोई गलत एंट्री ना हो, कोई गलत एंट्री ओवरलुक ना किया जाए, वरना जो रेपुटेशन है उस रेपुटेशन में हो सकता है सिर्फ एक ही रेपुटेशन बची रहेगी, वो कि पोर्टफोलियो क्वालिटी अच्छी है, बाकी कोई रेपुटेशन नहीं बची रह पाएगी। तो मैं और अदरवाइज हम सभी रिस्पॉन्सिबल होंगे किसी भी तरह के आरबीआई की फाइंडिंग के लिए जब उनका ऑडिट होगा, सुपरविजन होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी। हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ये पहला साल था, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस और डेटा एंट्री करते हुए कंपनी को कंप्यूटर में और मोबाइल फोन के थ्रू लगभग 12 साल हो चुके हैं। 2010-11 से शुरू किया था और 2022 से इस पे, ठीक है, तब से मोबाइल फोन में डेटा एंट्री हो रही है, और उसके बाद भी अगर हमारे बारोवर का इनकम 10,000 रुपए ही हो सका सालाना, तो ये बड़ा गंभीर विषय है कि गरीबी कैसे दूर होगी और क्यों नहीं दूर हो रही है। और हम इसको देखते हुए आप सभी लोग ध्यान रखें कि ये जो डेटा एंट्री का प्रोसीजर है इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज आएगी ये आप ही लोगों को सॉल्व करना है। इसी वजह से पहली ट्रेनिंग जब फॉर्म फिलिंग की ट्रेनिंग थी उसमें भी मेथोडोलॉजी यही किया गया था कि ट्रेनिंग डिपार्टमेंट केस स्टडीज बनाएगा, केसेस बनाएगा और सभी को दिया जाएगा, और सभी लोग उसको पूरी सीरियसनेस के साथ भरेंगे, प्रयास करेंगे ताकि ये एस्टिमेट किया जा सके कि नॉर्मल केसेस में नॉर्मली कितना समय लगता है। जब मैं आज पुराने फॉर्म को और नए फॉर्म से कंपेयर करता हूं तो मुझे लगता है कि आपका फॉर्म नया वाला पुराने फॉर्म से ज्यादा बेहतर और आसान है। वरना सवाल फिर उस बात की, अगर ये आसान है तो क्या वजह है, वो कौन से स्टेप है जो पुरानी गलतियां पुराने फॉर्म को भरने में की जा रही थी वो ना दोहराई जाए, और इसके लिए ट्रेनिंग डिपार्टमेंट और फील्ड के सुपरवाइजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये ट्रेनिंग पूरी सीरियसनेस के साथ इंप्लीमेंट हो, ठीक है, और उसको आप लोग इस पोजीशन में हो, क्योंकि मुझे बताया गया कि बहुत से लोगों को 2-2 घंटे 2.5-2.5 घंटे फॉर्म भरने में लग रहे थे, दैट मीन्स कि माइंड में क्लैरिटी प्रैक्टिस भी नहीं था। प्रैक्टिस ना होना तो समझ में आता है, क्लैरिटी का ना होना समझ में नहीं आता है। तो क्लैरिटी जहां जहां आपको चाहिए आप उसको गेन करिए, अक्वायर करिए, क्योंकि एक्सपेक्टेड है, ठीक है, या ये आपके पोजीशन पे बने रहने को जस्टिफाई करता है, या आप उस पोजीशन पे जो अपने एक्सपीरियंस और मेहनत से आगे आए हैं उस पे बने रहे, ठीक है, ये जस्टिफिकेशन है उसके लिए कि आपके पास क्लैरिटी कंप्लीट रहे। नहीं तो आपके अंदर में जो टीम होगी, चाहे रीजन की टीम हो, चाहे 6 क्लस्टर हेड के अंदर की 6 ब्रांचेज है उनके स्टाफ, अगर सभी लोग क्लियर नहीं है एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, चाहे वो आईसीटी की टीम हो, चाहे ऑपरेशंस की हो, और जब मैं आईसीटी टीम से बात करता हूँ तो सारे रीजनल आईसीटी, ठीक है, और ट्रेनिंग की बात करता हूँ तो सारे चाहे हेड ऑफिस की हमारी ट्रेनिंग टीम है, और चाहे हमारे जोन की ट्रेनिंग टीम है, जोनल ट्रेनिंग मैनेजर्स, और ये जो एंट्री है इस एंट्री से संबंधित और फॉर्म की मैनुअल फिलिंग से संबंधित, ये आप सभी जो यहां उपस्थित हैं और जो ट्रेनिंग लेने के लिए आए हुए हैं जिनकी जिम्मेदारी है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस ट्रेनिंग की समाप्ति पे कंप्लीटली क्लियर होंगे, ताकि अगर आपसे फील्ड में ट्रेनिंग के दौरान, क्योंकि फॉलो अप ट्रेनिंग आप लोगों को लीड करनी है आज की ट्रेनिंग के बाद, और ये ट्रेनिंग कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, दोनों तरह की ट्रेनिंग चलती रहेगी, चाहे वो फॉर्म फिलिंग और डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग हो, इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करना है टू इनेबल अवर सेंटर मैनेजर टू डिटरमिन द एनुअल हाउस होल्ड इनकम एंड मंथली हाउस होल्ड इनकम, और टू फिल अप द फॉर्म प्रॉपरली एंड टू मेक एंट्री इन मोबाइल फोन
फ्रॉम द फॉर्म करेक्टली। कोई ऐसे इंसिडेंट जहां मास लेवल पे मिलेंगे कि कोई हमारा ब्रांच या ग्रुप ऑफ ब्रांचेस या पर्टिकुलर रीजन अकॉर्डिंगली टू सेव द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी एंड नॉट टू अलाउ रेपुटेशन ऑफ द कंपनी टू सफर, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल बी फिक्स्ड एंड एक्शंस विल। बिकॉज हम लोग समझते हैं कि जो अच्छा अपने रीजन में इंप्लीमेंट करा रहे हैं, अपने जोन में इंप्लीमेंट करा रहे हैं, दे शुड बी एडिक्वेटली रिवार्डेड, बट दोज हु आर फेलिंग their responsibility should also be fixed. That is how things are managed and that is how company's reputation can be saved. I strongly feel that company's reputation is at high level of danger. Even the data quality which we have, तो ये हम लोगों से की जिम्मेदारी है कि हम इसको जो है हर वो कदम उठाएं जिससे इस खतरे को शीघ्र से शीघ्र दूर किया जा सके और दूर करने से पहले उसके लेवल को मिनिमाइज किया जाए, ठीक है, और इसको जीरो किया जा सके। इसमें डेटा क्वालिटी भी यही होनी चाहिए, वही स्टैंडर्ड हमको ऑब्जर्व करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए जो हम पोर्टफोलियो क्वालिटी में करते हैं। क्योंकि अगर डेटा क्वालिटी नहीं सही है तो अगर आप अपने रिपोर्ट में पोर्टफोलियो क्वालिटी क्लेम करते तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। इनकम असेसमेंट अगर सही नहीं करेंगे और बोलेंगे सबको ही सब 10,000 रुपए के एनुअल हाउसहोल्ड इनकम वाले भी 50,000 का लोन लेके पैसा सही समय से दे रहे हैं तो लोन किसको दिया गया है यही नहीं पता चलेगा। और जब इसको पूरे पर्सपेक्टिव में देखा जाएगा कि यहाँ पाइपलाइन के केस होते हैं, यूटिलाइजेशन का परसेंटेज 50-60% है, तो ये पैसा किसको दिया जा रहा है, किससे वापस लिया जा रहा है और क्या ये क्लाइंट ये कंडुइट है क्या? कंडुइट मतलब जैसे वो पाइपलाइन के लिए वो पाइप हो जाती है बीच में एक जिसको कहा जाए माध्यम, उन्हीं को कंडुइट कहा जाता है। तो ये कंडुइट है जिसके थ्रू पैसा कहीं और फ्लो कर रहा है और रिपेमेंट कहीं और से आ रहा है। इस तरह के इंटरप्रिटेशन करने वालों को हम किसी भी तरह से रोक नहीं पाएंगे। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सभी लोग इसको बहुत सीरियसली लेंगे और इंश्योर करेंगे कि आप उस सिचुएशन में पहुंचे जहां आपके माइंड में There should not be any cloud, कोई शंका का कोई दुविधा का बादल ना हो। Your mind should be very clear, और so that you can give proper response and answer to your subordinates, ठीक है? और वो answer और response जो है company के नियमों के द्वारा fix किए गए response और answer होने चाहिए, ठीक है? और सबकी uniformity होनी चाहिए। यही वजह है कि हम लोगों ने सारा स्ट्रक्चरिंग इस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन में कर रखा है कि हमारे सारे ऑपरेशन में यूनिफॉर्मिटी हो। और इसके लिए लगभग मुझे लगता है 7-8 साल से ज्यादा हो गए हैं हार्ट की संरचना किए हुए। तो अगर अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस और अलग अलग तरह के फार्म ट्रेनिंग का तरीका, अलग अलग तरह से का अप्रोच अलग अलग रीजन में चलेगा तो हार्ट अपनी रिवर्स भी खो बैठेगा और हमारे ऊपर ये कहा जाएगा कि हम लोग अपने कार्यों को ठीक से नहीं कर पा रहे हो। तो इस वजह से ये ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस ये सारे उद्देश्य हैं इस ट्रेनिंग के। तो मैं समझता हूं कि मैंने क्लियर कर दिया क्या उद्देश्य है, क्या डेंजर है, किस रिस्क पे हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है? ये एक तरह की ज्वालामुखी है और ये वोल्केनो कभी भी इरप्ट हो जाएगा, चाहे वो पहले विजिट में इरप्ट हो ऑडिटर्स के आरबीआई के या किसी दूसरे एक्सटर्नल विजिटर के या ऑडिटर के दौरान इरप्ट हो। तो इससे बेहतर है कि ये इरप्शन के पहले ही इसको पूरी तरह से इस ज्वालामुखी को या वोल्केनो को डेड कर दिया जाए। तो दैट इज ऑल आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज अपॉन, ठीक है? थैंक यू वेरी मच एंड रितेश यू कैन बिगिन। अब हम लोग जो जैसा कि सर ने बताया आप लोगों को कि जो हम लोग का एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन कैसे वर्क करेगा, ठीक है? तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है? तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। ये अभी सीएम का मोबाइल एप्लीकेशन है सेकंड साइकिल ऑनवर्ड्स, ठीक है? तो इसमें कैसे वो हम लोग जैसे शुरू में हम लोग क्या करते हैं कि सेटअप मैनेजर का एप्लीकेशन का सीरियल नंबर और ये सब डाल करके इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद सीरियल नंबर पे जो भी हमारी
आईडी है वो डाल करके हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो उसके आगे आपके पास एक मीनू आता है, ठीक है, मीनू आने पर आपको ये सब दिखाई दे रहा है आप लोगों को पीछे थोड़ा सा और बात करते हैं अपने एडियो सर से और देखते हैं कि वो अपने आगे आने वाले समय में इस प्रोजेक्ट को, इस सुगम एप्लीकेशन को कैसे इंप्लीमेंट करवाएंगे। देखिए, आज की जो ट्रेनिंग हुई है उसमें हम लोग जो आरबीआई की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक हम लोग अपने फील्ड में नए लोन प्रपोजल को जो आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक हम लोग को भरना है उसमें हमारे माननीय आदरणीय प्रबंध निदेशक महोदय के द्वारा और आदरणीय डीएमडी सर के द्वारा जो ट्रेनिंग दिया गया है उसके माध्यम से हम लोग नए ऋण प्रस्ताव को हम लोग एक्यूरेटरी और हम लोग उसको प्रभावी ढंग से गुणवत्तापूर्वक हम लोग सीखे हैं। ट्रेनिंग टीम थी यहाँ पे और आईसीटी की टीम थी, उसके माध्यम से हम लोग पूरी क्लैरिटी को हम लोग उसमें जाना है, सारे डाउट्स को क्लियर किए हैं और इसी के मुताबिक हम लोग फील्ड में अपने सबॉर्डिनेट्स जो हमारे आरएम, डीआरएम, चीफ बीएम और हमारे सेंटर मैनेजर हैं उनके बीच ये सारी भी बात को हम लोग पहुँचाएँगे और ग्राउंड से जो हमारा इनपुट आएगा वो आज के अकॉर्डिंग जो ट्रेनिंग हम लोग ने सीखा है उसके मुताबिक हम लोग इसको धरातल पे ले जाएंगे और उसको प्रभावी तरीके से हम लोग सफल होंगे। ठीक है, धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। तो जैसे कि आपने एडीओ सर का व्यू देखा कि वो अपने रीजन में कैसे इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कराएंगे और आगे, तो आइए जब हम अपने डीडीओ सर से बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को, सुगम एप्लीकेशन को वो इम्प्लीमेंट करवाएंगे और आज की ट्रेनिंग में उन्होंने कैसे इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखा। जो पहले का प्रपोजल था और जो नए आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार आया है उनमें काफ़ी डिफरेंस हुआ है। जो पहले था वो प्रपोजल और सुगम से मैच नहीं था, लेकिन आज जो ट्रेनिंग हुई है वो सुगम और प्रपोजल दोनों मैच है, एक साथ एंट्री है। जो थोड़ी बड़ी कमियां थी वो भी कल तक उन्होंने कंप्लीट कर लेंगे, इसलिए पहले की अपेक्षा बहुत आसान हो गया है। ठीक है, थैंक यू सर। तो जैसा कि सर ने कहा कि पहले हम लोगों का एप्लीकेशन और सुगम मैच नहीं कर रहा था प्रपोजल के अकॉर्डिंग और अब उसमें काफ़ी इम्प्लीमेंट हुआ है जिसे हम लोग आगे बरकरार रखेंगे। अब आइए अपनी आईसीडी टीम से बात करते हैं। जैसे कि आईसीडी टीम ने काफ़ी मेहनत किया हुआ है और इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कराना और अभी इम्प्लीमेंटेशन के दौरान थोड़ा सा चेंजेस भी आया है जिसको कि आप देख सकते हैं, सर लोग हमारे काफ़ी अच्छे से डिस्कस भी कर रहे हैं और हेड आईसीटी रितेश सर से हम बात करते हैं कि कितना बड़ा चैलेंज उन्होंने कैसे इजीली अडॉप्ट किया और उसका इंप्लीमेंट करवाया। सर, इस एप्लीकेशन के बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, ये एप्लीकेशन तो बहुत अच्छा है लेकिन हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि इसे बहुत सारे अभी भी कुछ गैप है जिसको कि हम लोगों ने आज आइडेंटिफाई किया है और हम लोग ये चाहेंगे कि आगे चल करके इसको और भी स्मूथ हो, ठीक है, जैसा कि हमारे स्टाफ का एक्सपेक्टेशन है और हमने ये देखा भी है। तो इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि विद इन 15 डेज तक हम लोग इसको पूरी तरह से स्मूथ कर लेंगे और करके हम लोग इसको लॉन्च कर लेंगे और जो भी हमारा हमारे मैनेजमेंट का या हमारे हायर मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन है उसको हम लोग फुलफिल करेंगे। थैंक यू सर। तो जैसा कि सर ने कहा कि लगभग जो भी इसमें थोड़े बहुत कमियां आ रही हैं उसे 15 दिन के अंदर हम लोग एकदम इम्प्लीमेंट करके फाइनल अपने फील्ड में उतार देंगे। आइए अब अपने डिप्टी हेड अनूप सर से बात करते हैं कि उन्होंने काफ़ी प्रेजेंटेशन सुबह से दिया और काफ़ी थके हुए हैं और काफ़ी एक्सरसाइज किया उन्होंने, तो सर का क्या ओपिनियन है और कैसे इस प्रोजेक्ट को हम और अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? धन्यवाद। जैसा आप देख रहे हैं कि ये जो नई एप्लीकेशन बनी है या जो भी एप्लीकेशन हम लोगों ने बनवाया हुआ है इसे बहुत सारे कैलकुलेशन लगे हुए हैं, उस कैलकुलेशन को चेक करना और किस तरीके से हमारे फार्म में जो चीज़ें आ रही है वो हमारे मोबाइल में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, होना है या नहीं, ये हमको चेक करना है। बेसिकली देखा जाए तो जो भी हम लोगों ने एप्लीकेशन में लिखा हुआ है उसका कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट है और वो कैलकुलेशन चेक किया गया और वो सब कुछ सही आ रहा है। इसको समझाना क्योंकि उसमें है क्या, कुछ आरबीआई के नियम, आरबीआई की रिगार्डिंग वो कितना एलिजिबल हो रहा है, कैशबैक रिगार्डिंग कितना हो रहा है, ये मुझे चेक करके और लास्ट में ये देखना पड़ रहा है कि क्लाइंट किस अमाउंट के लिए एलिजिबल हो रही है और क्या ईएमआई वो दे सकती है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ें जो है मतलब लाया गया है और ये हमारे स्क्रीन में सारी चीज़ें इस फार्म के रिगार्डिंग है। फार्म को अगर हम लोग महीने दो महीने में अगर हटा भी देते हैं तो इस स्क्रीन के रिगार्डिंग हमारे जो फील्ड स्टाफ हैं, जो भी सेंटर मैनेजर है, बड़ी आसानी से प्रपोजल को भर सकता है क्योंकि हम लोगों ने इस तरीके से बनाया हुआ है और इसमें कुछ मेहनतें और लगेंगी जो अभी हमारी जो ऑपरेशन की टीम थी और जो
ट्रेनिंग की टीम थी, सब लोगों ने हमको कुछ चीज़ें बताई है, उस चीज़ों को हम लोग और अपने एप्लीकेशन में डालेंगे जिससे हमारा एप्लीकेशन और बेहतर हो सके, जिससे हमारे स्टाफ को कोई प्रॉब्लम ना हो। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो जैसा कि आपने देखा कि सर ने एक फोकस किया है कि कैलकुलेशन पे, यानी कि कैलकुलेशन हमारे इस एप्लीकेशन का और RBI की गाइडलाइन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि इस ट्रेनिंग में हमारे जोनल ट्रेनिंग टीम में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया है, और उनके से हम बात करते हैं कि उन्होंने इस ट्रेनिंग में कैसे पार्टिसिपेट किया, उनके पास क्या चैलेंजेस आएंगे और कैसे वो इस ट्रेनिंग को अपने फील्ड में इम्प्लीमेंट करवाएंगे। सबसे पहले आपको धन्यवाद। हम आपको बता दें कि सारे स्टाफ की ट्रेनिंग हो चुकी है, कुछ लोग ही बचे हैं जिनका क्लस्टर वाइज ट्रेनिंग नेक्स्ट वीक से होना है। और अभी फ़िलहाल तुरंत हम लोग जा रहे हैं कल से फील्ड में विजिट करेंगे ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए, और उस सेंटर पे जिस सेंटर पे हम विजिट कर रहे हैं वहाँ पर अगर कोई प्रपोजल होता है तो प्रपोजल स्टाफ के साथ जाके CNA NGS कैसे करेंगे, क्लाइंट के घर जाके पूरा प्रपोजल पहले भरवाएंगे अपने सामने। जहाँ भी उनको सुविधा होगी ऑन जॉब ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद क्योंकि उद्देश्य ये है कि पूरे ब्रांच के सभी स्टाफ जो है इंट्री में पारंगत हो जाएं, एंट्री उनको करना आ जाए, इसलिए उस प्रपोजल को लेकर के स्टाफ को लेकर के ब्रांच पे आएंगे। ब्रांच के सारे स्टाफ को इवन BM को भी बैठा के और स्टाफ से ही उसको एंट्री करवाएंगे। जहां स्टाफ को समझ में नहीं आएगा वहां उनको बताएंगे, और जहां एरर आएगा वो सॉल्व किया जाएगा। सारी एंट्री उनको बताया जाएगा, सारी एंट्री खुद से उनसे करवाया जाएगा अपने सामने, जिससे कि सिर्फ एक स्टाफ नहीं बल्कि उस ब्रांच के सारे स्टाफ अवेयर रह जाएं। इससे हम लोग जल्दी जल्दी कवर कर पाएंगे। फिर ऑन जॉब ट्रेनिंग हम लोगों की हमेशा होती रहेगी, क्लस्टर वाइज ट्रेनिंग होता रहेगा। जल्दी हो इसलिए स्ट्रेटजी यहीं अपनानी होगी, यही हमारी स्ट्रेटजी है हमारे रीजन के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर। तो हमारे जोनल ट्रेनर दिलीप सर ने बहुत अच्छा अपना ओपिनियन दिया कि कैसे हम इस ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट अपने फील्ड में करवाएंगे। तो अब आइए आगे बात करते हैं। हमारे साथ मनोज जी हैं, जो कि मनोज जी बहुत सीनियर स्टाफ है हमारे, जोनल ट्रेनर है, बहुत अच्छा अनुभव है इनका फील्ड में भी, और इस समय अपनी ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो सर से बात करते हैं कि उन्होंने इस ट्रेनिंग में क्या देखा और कैसे वो इस चीज़ को फील्ड में अपने ब्रांच के साथ अपने स्टाफों के साथ इम्प्लीमेंट करवाएंगे।